Hello guys, how are you all? Greeting from Mr. R. I'm hoping that you all are doing well and you are preparation for your upcoming exam. All right, you are stay focused. Whatever the situation is going on, either it's corona, either any types of situation is going on, you are focused on a study because study never waste. All right. So today basically we are talking about the admit card. आप अपना admit card जो भी charter accountant हैं, जो CA के student हैं, either foundation, executive या intermediate या फिर final का हम बात करें. So any types of student, if you have filled your examination form for upcoming exam, so कैसे आप अपने जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कब तक आपको जो है डाउनलोड करने को मिलेगा, इसकी हम पूरी जानकारी लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होते हैं. ठीक है, सो आपको पता है बेसिकली जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं उसके बाद जो है आपको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना होता है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते हैं तो आपको जो है एडमिट कार्ड और आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है ले जाना जरूरी होता है. सो जो भी स्टूडेंट जो फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल जो एग्जामिनेशन है उनमें जो है रजिस्टर्ड किया है अपने फोटोग्राफ या सिग्नेचर के थ्रू, सो उनके लिए जो है वेबसाइट होती है. वेबसाइट का जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और बेसिकली जो वेबसाइट का नाम है वो है www.icaiexam.icai.org. ठीक है, ये वेबसाइट के थ्रू जो है आपको डाउनलोड करना है. मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि कैसे कहाँ पर जाकर आपको ये जो ऑप्शन है मिलेगा, वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, सो जो लिंक है होगा ये आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी ले सकते हैं. ठीक है, सेकंड थिंग्स है कि आपको जो फिजिकल एडमिट कार्ड होता है, पहले जो है के टाइम पे आई थिंक 2017 तक जो है एडमिट कार्ड जो है फिजिकली सेंड किए जाते थे सभी स्टूडेंट को, बट अभी जो है फिजिकल जो एडमिट कार्ड है वो बंद कर दिया गया है. ठीक है, मतलब आपको कोई भी फिजिकली मई 2017 तक ही आपको केवल एडमिट कार्ड मिलते थे, अभी फिजिकली एडमिट कार्ड बंद हो गए हैं. आपको जो एडमिट कार्ड जैसे मैंने वेबसाइट बताई है वहां पर जाकर को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. ठीक है, और इस एडमिट कार्ड में जो है बेसिकली आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, फोटोग्राफ एंड आपका जो सिग्नेचर होता है, आपकी जो नेसेसरी डिटेल्स होती है जैसा आपका जो है एग्जाम कौन सी डेट का, आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या है, मीडियम क्या रहेगा, ऑल द डिटेल्स विल बी अवेलेबल ऑन योर एडमिट कार्ड. ठीक है, विल द एडमिट कार्ड्स कंटेन माई फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर. जैसा मैंने बताया कि आपका जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो आपको एडमिट कार्ड में रहेगा. ठीक है, सो बेसिकली मैं जो है आपको पूरे FAQs के बारे में आपको बताऊंगा. ठीक है, और ये भी मैं पॉइंट रखूंगा कि आपको जो एडमिट कार्ड जो अपकमिंग एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड जो है आपको कब आपको मिलने वाला है और कब आपको उसको डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. आई हैड नॉट अफिक्स्ड माय फोटोग्राम इन द एग्जामिनेशन फॉर्म, कैन आई सेंड देम नाउ. किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि क्या मैंने फोटोग्राफ जो है अटैच नहीं किया था, क्या मैं अभी जो है सेंड कर सकता हूँ. सो इंस्टीट्यूट कहता है कि यस, हाउएवर वंस द एडमिट कार्ड आर होस्टेड नो चेंजेस विल बी मेड थ्रोन. ठीक है, आप भेज सकते हैं बट एडमिट कार्ड में जो है कोई भी चेंजेस नहीं होता है जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर देते हैं. ठीक है, सो द फोटोग्राफ विल बी यूज एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन फॉर योर पास सर्टिफिकेट. वी एडवाइज यू टू कैरी विद यू अ फोटो आइडेंटिटी कार्ड इश्यू बाय द गवर्नमेंट एजेंसी और ICAI एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एज आर्टिकल असिस्टेंट टू द हॉल एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रिंट फ्रॉम द वेबसाइट. सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो फोटोग्राफ है आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे जो है पेस्ट करना भूल गए हैं तो आप अपना एडमिट कार्ड और ICAI मतलब जो आपका जो है स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड होता है या फिर कोई भी एक गवर्नमेंट प्रूफ आइडेंटिटी कार्ड लेके जाएगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू कैन एंटर द एग्जामिनेशन हॉल. ठीक है, जैसा मैंने बताया आपको जो है वेबसाइट के लिंक पे जाना है, मैं आपको स्क्रीन भी शो कर देता हूँ. तो सबसे पहले जो है आपको ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है इस वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा. ठीक है, वेबसाइट पे जाने के बाद जो है आपको लॉगिन आईडी का ऑप्शन शो करेगा, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड. ठीक है, लॉगिन एंड रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, लॉगिन आईडी का ऑप्शन शो करेगा, वहां पे जाकर आपको क्लिक करना है. ठीक है, क्लिक करेंगे तो आपको जो है अपना यूजर आईडी जिससे अपना अकाउंट को लॉगिन करते हैं एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा, अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे. ठीक है, देन राइट साइड में चेक कर सकते हैं ट्रैक एंड अप्लाई एंड ट्रैक एप्लीकेशन. ठीक है, इसके जो है फोर्थ ऑप्शन में आप चेक करेंगे एडमिट कार्ड एंड राइट साइड में व्यू का ऑप्शन शो करेगा, वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं. ठीक है, योर एडमिट कार्ड एंड द इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिनी विल अपियर ऑन द स्क्रीन. ठीक है, आपके एडमिट कार्ड और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं एग्जामिनी को या फिर आपको स्टूडेंट को, आपको जो है अपियर करेंगे आपकी स्क्रीन पर. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. माय फोटोग्राफ और माय सिग्नेचर आर नॉट दियर इन एडमिट कार्ड, इट इज वैलिड. ठीक है, आपका सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ जो है एडमिट कार्ड पे नहीं है, सो क्या ये वैलिड होगा? नहीं होगा. ठीक है, सो इंस्टीट्यूट कहता है कि यस इट इज वैलिड, ये वैलिड है. इन केस ऑफ एडमिट कार्ड डज नॉट बियर अ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, अगर जो है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर कैंडिडेट का नहीं है, सो ही और सी एडवाइज टू पेस्ट द फोटोग्राफ एंड अफिक्स सिग्नेचर इन द एरिया मार्क्स ऑफ ऑन द प्रिंट आउट एंड एडमिट कार्ड टू गेट एंड गेट दिस पेज अटेस्टेड बाय द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट. ठीक है, अगर जो है फोटोग्राफ या सिग्नेचर नहीं है तो आप ऊपर से लगा सकते हैं, जब आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया है आप ऊपर से फोटोग्राफ जो है पेस्ट कर सकते हैं, सिग्नेचर जो है हाथ से कर सकते हैं, बट यू नीड टू गेट इट अटेस्ट बाय अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट. ठीक है, आपको अटेस्ट कराना होगा मेंबर से. मेंबर में इंडिकेट हिज और हर नेम, मेंबरशिप नंबर एंड ऑफिस स्टैम्प व्हाइल साइनिंग अटेस्टेशन एट द बॉटम ऑफ द पेज. ठीक है, तो जब भी आप अटेस्ट कराते हैं तो उनका नाम होना चाहिए, मेंबरशिप नंबर जो उनको अलॉट किया जाता है वो होना चाहिए, और उनके ऑफिस का जो स्टैम्प होता है, आइदर दे आर डूइंग, वो अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका अपना स्टैम्प होगा, अगर किसी जो है कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनका अपनी कंपनी का स्टैम्प होगा, तो सो दे नीड टू अटैच, दे नीड टू स्टैम्प ऑन द बॉटम ऑफ द पेज. ठीक है, समझ चुके हैं अटेस्टेशन कैसे करना है. ठीक है, एंड द कैरी ऑफ द सेम, कैरी द सेम टू द एग्जामिनेशन सेंटर इन द डुप्लीकेट एज अ प्रूफ ऑफ हिज और हर आइडेंटिटी. ठीक है, आप इसको जो है एज आइडेंटिटी के तौर पे जो है आप एग्जामिनेशन सेंटर में ले जा सकते हैं, सो आपका एडमिट कार्ड वैलिड होगा. ठीक है, ही और शी विल बी रिक्वायर्ड टू हैंड ओवर टू ओरिजिनल अटेस्टेड एडमिट कार्ड टू द एग्जामिनेशन सेंटर व्हाइल रिटर्निंग वन कॉपी ऑफ सेम ऑफ हिज हर ओन रिकॉर्ड. ही इज ऑल्सो एडवाइज टू कैरी वन स्टैम्प साइज फोटोग्राफ, वन स्टैम्प साइज फोटोग्राफ मैचिंग विद द फोटोग्राफ अफिक्स ऑन द अटेस्ट लेटर रेफरेंस अबव टू द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर अफिक्सिंग फॉर द सेम एट द अप्रोप्रिएट प्लेस एट द अटेंडेंस रजिस्टर. So, कहने का मतलब है जब आप अटैच करा देते हैं तो उसकी फोटो कॉपी करा लीजिएगा, फोटो कॉपी को आप जो है एग्जाम सेंटर में जो है जमा कर सकते हैं, और प्रूफ के तौर पे जो आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो अपने पास रख सकते हैं, एंड वन स्टैम्प साइज फोटोग्राफ भी आपको ले जाना होगा इन केस अगर आपको रिक्वायर्ड होती है आपको एग्जाम सेंटर में जो है दोबारा एफएक्स कराने की, दोबारा चिपकाने की, पेस्ट करने की जो है, तो आपको एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ केवल ले जाना पड़ेगा और एडमिट कार्ड या फिर आइडेंटिटी कार्ड आप लेके जा सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर नोट, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ये बताता है कि प्लीज कैरी टू स्टैम्प साइज फोटोग्राफ इफ यू आर यूनिट बोथ ग्रुप कैंडिडेट, अगर आप जो है दो ग्रुप एक साथ दे रहे हैं तो दो साइज की जो है आप फोटोग्राफ ले जाएंगे, दो स्टैम्प साइज की फोटोग्राफ ले जाएंगे, जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होती फोटोग्राफ होती है, अगर आप दो ग्रुप दे रहे हैं या फिर दो यूनिट दे रहे हैं तो आपको जो है दो ले जाना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि आई हैव डाउनलोडेड माई एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट, However, details therein do not relate to me. What should I do? ठीक है, आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, ठीक है, बट जो आपने डिटेल्स एंटर की थी, मतलब आपने एग्जामिनेशन सेंटर या फिर आप जो ग्रुप्स देने वाले हैं, जो भी पेपर देने वाले हैं, वो डिफरेंट हैं. ठीक है, सो उस केस में आपको क्या करना है? इंस्टीट्यूट कहता है कि कॉन्टेक्ट टू द हेल्पलाइन नंबर, मैं आपको हेल्पलाइन नंबर भी दूंगा वीडियो के एंड में, और ये भी बताऊंगा कि कब तक जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला है, कर सकते हैं. ठीक है, सो इमीडिएटली क्विटिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म, रिसिप्ट नंबर इश्यू बाय द रीजनल ऑफिस इफ एनी, सेंटर ऑप्ट विद जोन एंड एप्लीकेबल टेलीफोन नंबर फैक्स विद ETC. ठीक है, तो हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना है अगर आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत आती है, दैट यू हैव फिल्ड द एग्जामिनेशन फॉर्म विद अ डिफरेंट डिटेल एंड नाउ द एडमिट कार्ड यू हैव गॉट इज विद द डिफरेंट डिटेल्स. ठीक है, सो इस केस में आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, मैं आपको बता दूंगा, अब लास्ट तक मेरे साथ बने रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आई हैव डाउनलोडेड माई एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट, हाउर्स डिटेल्स देयर एन आर डिफरेंट फ्रॉम वट आई हैव फिल्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर्म. सेम जैसे अभी बताया है, इसमें एडिशनल ये बताया गया है कि आप मेल भी कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे, मैं मेल के रिगार्डिंग भी आपको बता देता हूँ. ठीक है, आई हैव नॉट रिसीव्ड द फिजिकल एडमिट कार्ड बाय द सेंट, जैसे मैंने बताया फिजिकल जो है एडमिट कार्ड, जो फिजिकल एडमिट कार्ड होते हैं वो मई 2017 के बाद जो है बंद हो गया है, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ता है. ठीक है, और इनकेस जो है अगर आपका जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो अगर जो है प्रॉपर फिक्स है, अफिक्स जो है हुआ है, मतलब जैसे आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे फिल किया होगा, सेम टू सेम एडमिट कार्ड में ही डाउनलोड है, तो आपको अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है. इंस्टीट्यूट ये नहीं कहता है कि आपको अपना एडमिट कार्ड अटेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, जैसे मैंने इससे पहले बताया था उस केस में जरूरत पड़ेगी. ठीक है,
आई एम नॉट एबल टू डाउनलोड और प्रिंट माई एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट, व्हाट शुड आई डू? अगर आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, ठीक है? सो मेरी ओर से एडवाइस ये रहेगा कि एक बार जो है अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है या फिर जो भी जिससे अपने अकाउंट को लॉग इन करते हैं, लॉग इन आई डी, ठीक है, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, आर यू एबल टू लॉग इन योर नॉर्मल पोर्टल और नॉट, अपना अकाउंट को लॉग इन कर पा रहे हैं उस सेम आई डी से और नॉट, मे बी यू आर जस्ट मिस प्रिंट, आप जो है कुछ मिस कर रहे होंगे, कुछ डिजिट मिस कर रहे होंगे। अगर ये चीज नहीं है तो एक बार जो है आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, ठीक है। आई हैव अ वैलिड एग्जम्पशन इन पेपर, हाउएवर द एडमिट कार्ड डज नॉट शो द एग्जम्पशन, विल आई गेट द एग्जम्पशन? आपको जो है किसी भी एक पेपर में एग्जम्पशन मिला था बट आपके एडमिट कार्ड में एग्जम्पशन शो नहीं हो रहा, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया बट एडमिट कार्ड में कोई भी पेपर में एग्जम्पशन नहीं है या फिर उस पर्टिकुलर पेपर में एग्जम्पशन नहीं है, सो उस केस में क्या आप करना पड़ेगा? सो एग्जम्पशन गारंटेड यू नॉट टू शोन ऑन द एडमिट कार्ड, ठीक है, समझने वाली बात है। एग्जम्पशन गारंटेड यू टू यू आर नॉट शोन ऑन द एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड में एग्जम्पशन गारंटेड शो नहीं करेगा। प्लीज गो थ्रू विद द रिलेवेंट स्टेटमेंट ऑफ द मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन वेयर इन योर ओपिनियन यू आर ग्रांटेड एग्जम्पशन, ठीक है। आपको जो है प्रॉपर एग्जम्पशन शो नहीं करेगा, कुछ अल्फाबेट हैं जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको एग्जम्पशन है, ठीक है। तो सब सपोज अगर किसी पेपर के आगे पे ई लिखा हुआ है, ठीक है, अल्फाबेट कैपिटल ई लिखा हुआ है, प्रिंट अगेंस्ट द मार्क ऑफ पेपर डिनोट दैट मार्क मार्क्स ऑफ द पेपर हैव बीन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द एग्जम्पशन ग्रांटेड इन द दैट पेपर एट अर्लियर अटेम्प्ट, ठीक है। तो अगर ई लिखा हुआ है तो इसका मतलब जैसे आपका ये जो है एग्जाम जो आपको पेपर है यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है ई, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो पेपर है वो एग्जम्प्ट हो चुका है, प्रॉपर एग्जम्पशन नहीं लिखा होगा, ई लिखा होगा कैपिटल लेटर, ठीक है। ऑल्सो हैशटैग, हैशटैग जो है जो आपका हैशटैग होता है, ठीक है, सिंबल प्रिंट अगेंस्ट द मार्क्स ऑफ द पेपर डिनोट्स दैट यू हैव बीन ग्रांटेड एग्जम्पशन इन द पेपर व्हिच विल बी वैलिड फॉर द नेक्स्ट थ्री ईयर फॉलोइंग एग्जाम, ऑल्सो रिजल्ट बिलो द ग्रुप एक्स ग्रुप शोज FEX, ठीक है। सो ई तो शो करता है जो आपको लास्ट एग्जाम से जो है फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड हुआ है, जो लास्ट टाइम पे रिसेंटली आपको एग्जम्पशन मिला है वो ई शो करेगा। इसके अलावा जो अगर हैशटैग है किसी भी पेपर में जिसका बोलता है वो पेपर जो है कैरी फॉरवर्ड चला आ रहा है, जैसे इंस्टीट्यूट ने बताया है विच विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट थ्री फॉलोइंग एग्जाम, ठीक है। सो अगर हैशटैग आ रहा है तो इसका मतलब जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आगे पे हैशटैग लिखा हुआ आ रहा है वो जो है नेक्स्ट थ्री एग्जाम के लिए जो है एग्जम्प्ट रहेगा। तो इंस्टीट्यूट आगे लिखता है कि इफ नो सच सिंबल ऑफ और अल्फाबेट इज प्रिंटेड अगेंस्ट द मार्क एंड एनी पेपर सो इवन दो द मार्क्स ओबिडेंट इन दैट पेपर मे बी मोर देन 60 देन दैट इंडिकेट्स दैट नो एग्जम्पशन हैज बीन ग्रांटेड इन दैट पेपर। सो किसी भी पेपर के आगे भी कोई भी सिंबल या फिर अल्फाबेट नहीं है तो इसका मतलब वो पेपर आपका एग्जम्प्ट नहीं है, ठीक है। तो मेन जो क्वेश्चन है कि कब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं मई 2021 के लिए, ठीक है। इफ एवरीथिंग गोज वेल, अगर जो है सब कुछ सही रहता है, कोई भी पोस्टपोन नहीं होता है, तो आप अपना एडमिट कार्ड जो है 15 दिन पहले ले सकते हैं, ठीक है। तो मई में जो है आपके एग्जाम होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, उससे 15 दिन पहले, तो ये मान के चलिए कि 15 से 20 अप्रैल 15th to 20th of April के बीच में आपका जो अनाउंसमेंट हो जाएगा वो एडमिट कार्ड के लिए जो है अनाउंसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल क्राइटेरिया क्या होता है कि 15th of April फॉर मई साइकिल एग्जाम और 15th of October फॉर नवंबर साइकिल एग्जाम, ठीक है। सो इस तक जो है 14th, 15th तक जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका मई 2021 के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है जैसे मैंने नंबर के लिए बताया है, सो हेल्पलाइन नंबर की जो डिटेल्स है मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ईमेल आईडी के रिगार्डिंग भी मैं जो है आपकी जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली जो है जो नॉर्मल डिटेल्स होती हैं एडमिट कार्ड की रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है, समझ में कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। और इसी तरह के नए अपडेट फ्रॉम ICSI, फ्रॉम ICAI और ICE और जो CMA के लिए होते हैं, ठीक है, सभी स्टूडेंट के लिए जो अब नए अगर आपको अपडेट चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके बाद जो है बेल आइकन जो आता है उसको दबाना पड़ेगा ताकि आपकी जो भी न्यू अपडेट या फिर न्यू वीडियो जो है वो इस चैनल से आप मिस ना करें, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।